का स्वागत है दर क्लिप्स बस देखते रहो रहो और सीखते जैसे कि बाइजूस क्या हुआ था मतलब सिर्फ बाईजूस की बात नहीं कर रहा हूँ पर ये जितने भी कंपनीज़ बहुत ज्यादा पैसा रेस कर लेते हैं अलग अलग चीजें सुनने में आती है कि कुछ लोग कहते हैं कि वीसीज़ ने ज्यादा प्रेशर डाल दिया बोर्ड में आके कुछ लोग कहते हैं कि बहुत ज्यादा ग्रोथ करने आ, में दे लॉस द प्लॉट कुछ लोग कहते हैं कि रॉन्ग हायरिंग हो गई uh, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जिन कंपनीज को थोड़ी सी ग्रोथ मिलकर फिर फेलियर देखना पड़ता है क्या होता है वहाँ सो लाइक सेड पहले भी ना सी कंपनीज एक्चुअली बहुत फ्रेजाइल होती हैं तो ये सिर्फ स्टार्टअप्स में ये कहानी नहीं है अगर आप लेमन uh, ब्रदर्स जो हुआ था 2008 में वो छोटी कंपनी तो नहीं थी एक दिन में गायब हो गई राइट right? तो कंपनियां बहुत फ्रेजाइल होती हैं तो जो उसके कस्टोडियंस होते हैं ना कंपनी के चाहे आप उसको फाउंडर बोल दो सीईओ बोल दो बोर्ड मेंबर्स बोल दो इन्वेस्टर्स बोल दो उनका सबसे बड़ा डर यही होता है कि किसी भी वक्त फॉर डिफरेंट रीजंस वो कंपनी बंद हो सकती है राइट right? इसलिए इतने सारे स्टेक होल्डर्स होते हैं और जितने ज़्यादा स्टेक होल्डर्स हैं टू सम समय अच्छा होता है बिकॉज आपको अलग अलग पर्सपेक्टिव मिलता है अलग अलग सोल्यूशनस मिलते हैं वो बहुत ज़रूरी होता है एक अकेला इंसान सब कुछ नहीं समझ आ समझ सकता है राइट right? तो अगर आपके स्टेक होल्डर्स अगर गलत हैं तो नतीजा गलत ही निकलेगा मतलब जिन लोगों से पैसे रेज किए हैं वो नहीं स्टेक होल्डर्स बहुत सारे होते हैं ना आपके इंप्लॉज़ भी आपके स्टेक होल्डर्स हैं आपके कस्टमर्स भी आपके स्टेक होल्डर्स हैं आपके बोर्ड मेंबर्स भी आपके स्टेक होल्डर्स हैं कई लोग होते हैं उनके एक्सटर्नल एडवाइज़र्स uh, होते हैं जिनका कंपनी से कुछ लेना देना नहीं है बट वो फाउंडर के दिमाग में इतने बैठे हुए होते हैं कि वो बहुत कुछ उसको इन्फ्लुंस कर सकते हैं तो गलत चीज़ें मेनली इसलिए होती हैं कि अगर आप जिस गोल से आप निकले हैं ना उससे अगर आप थोड़े से भी डगमगा जाते हैं एंड जो मैं दूसरी बात आपको बोली कि प्रोडक्ट बनाने से सिर्फ कंपनी नहीं बनती है इन्वेस्टमेंट रेस करने से भी कंपनी नहीं बनती है वो बिज़नेस उसका कैसे बनता है अगर वो आपको जर्नी नहीं पता है और उस जर्नी, जर्नी पे आप अगर अटल नहीं रहते हैं और उस जर्नी में जो बहुत सारे टेम्टेस आते हैं अगर आप उससे अपने आप को परे रख सकते हैं तो होपफुली आपकी कंपनी बढ़ती जाएगी इन योर आइज वॉट रॉन्ग्री नहीं I कॉन्ट्रोवर्शियल mean, नहीं है इट्स जस्ट दैट सी आई बिकॉज मेरे पास ओनली जो मीडिया में खबरें आई हैं वही हैं आई हैव नो वे ऑफ नोइंग कि अंदर क्या हो रहा था सो आई थिंक इट्स अनफेयर दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहूँगी कि सी हर कंपनी में बहुत उतार चढ़ाव होते हैं इंक्लूडिंग इन द बिग एस्टैब्लिश कंपनीज राइट अब जैसे फेसबुक ने यू नो दे वेंट इन टू मेटा नहीं सक्सेसफुल हुआ बट नो बड़ी इज गोइंग आफ्टर फेसबुक ही ओ मेटा फेल हो गया मेटा फेल हो गया राइट सो इट्स बिकॉज दे कैन अफोर्ड द पी आर दे कैन मैनेज कि क्या नैरेटिव बाहर जा रहा है इट्स अ वेरी पावरफुल कंपनी वेरी कैश रिच तो फेलियर इज़ पार्ट ऑफ बिजनेस मैं यही बोल रही हूँ बार बार ये ना लाइक वी आर वेटिंग फॉर पीपल टू फेल एंड देन डांस ऑन द ग्रेव्स कि भैया ओ देखा ये तो इसने ये गलत करा एंड वी स्पेशली डोंट लाइक पीपल जो थोड़े सक्सेसफुल हो जाते हैं उनको तो उनकी फेलियर के हम ट कर रहे होते हैं कि कब ये गिरेगा तो मैं बोलूंगा कि हाँ जर्नी हो exactly. exactly. so, की, की लंबी होती है मैं बार बार वो बोल रही हूँ अब क्या हुआ क्या नहीं हुआ इन दब्लिक डोमेन किसी को पता नहीं रीजन क्या पता है तो बोर्ड को पता होगा बट इट्स बेस्ट दैट दे कामेंट बट ओवरऑल अगर आप बात करते हैं कि अगर किसी कंपनी में कोई क्राइसिस आता है मैं ये कह रही हूँ हर कंपनी में क्राइसिस आता है हर कंपनी में जब नॉर्मली ऑन्टरप्रिनर्स के साथ डिस्कशंस हो रही होती हैं आजकल एक ट्रेंड ये बन चुका है कि लोग बूटस्ट्रैपिंग स्ट्रैपिंग में बिलीव करते हैं अप टू अ पॉइंट फॉर रीजनज लाइक बाई हैपनिंग कि इतने झट से इतना ज़्यादा पैसा रेज कर लिया देन यू कैन मैनेज दैट रेट ऑफ ग्रोथ दैट्स द पब्लिक नैरेटिव क्या आप सहमत हो डू यू थिंक दैट्स द राइट मेंटेलिटी टू हैव कि एक पॉइंट तक बूथ साफ करना चाहिए क्योंकि इट्स नॉट जस्ट बाय जूस बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा पैसा रेज कर लेते हैं सी वन ऑफ द की थिंग्स एक फाउंडर को जो समझ होनी चाहिए सी टू मच मनी टू लिटल मनी बोहोत हार्मफुल एंड मनी एट द राइट टाइम सबसे जरूरी होता है तो अगर इट्स लाइक like, आप पौधे को कब पानी दोगे कम नहीं दोगे या पूरा ही उसको कह दोगे कि, कि तू अपने हाल पे जी ले राइट right? तो लाइक एवरीथिंग एल्स उसका एक थोड़ा सा साइंस है बट वो सिर्फ फाउंडर ही समझ पाता है अपनी कंपनी के लिए कि इस बिज़नेस में इस कैटेगरी में मुझे कितने पैसे चाहिए और अगर आप कम रेस करते हो तो भी प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा करते हो तो भी प्रॉब्लम है और कब करते हो वो भी बहुत ज़रूरी होता है तीनों चीज़ें ज़रूरी होती हैं अगेन अनफॉर्चुनेटली ऐसी कोई आ, मतलब जगह नहीं है जहाँ पे ये फाउंडर ये सब सीख सकते हैं बिकॉज इट इज़ वेरी स्पेसिफ़िक ऑफ अ सर्टन टाइम इन विच आप कंपनी बना रहे हो किस तरह की कंपनी आप बना रहे हो तो वो हर कंपनी में अब जैसे एल एल एम कंपनीज़ हो रही हैं तो इट इज़ बिलीव्ड कि आपको मिनिमम चालीस पचास मिलियन तो चाहिए ही चाहिए ऑन डे वन राइट किसको पता है सच क्या है झूठ क्या है कि पचास मिलियन चाहिए कि दस मिलियन चाहिए कि बीस मिलियन चाहिए राइट तो मेरा कहने का ये मतलब है कि वो फ़ाउंडर को थोड़ा सा थोड़ा सा ज़्यादा घुस के सी पैसा ना बुरी चीज़ नहीं है पर अगर आप पैसे को नहीं समझते हो तब वो आपको दुख देती है तो इसलिए अगर आप फाउंडर हैं तो आपको ये सब समझना पड़ेगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट uh, जो मिल मिल सकती है आपको कितनी चाहिए क्यों चाहिए तो अगर कोई अच्छा वीसी है तो हम हमेशा सवाल पूछते हैं कि आपको इतने पैसे क्यों चाहिए एंड वो कुछ भी अमाउंट हो सकता है चाहे आप पचास लाख रेस कर रहे हो या पचास करोड़ रेस कर रहे हो मतलब आप फाउंडर से एक ब्रेकडाउन देखना चाहते हो किस होगा करोगे क्या नहीं बट इससे ज़्यादा भी वॉट मैं देखना चाहती हूँ कि आप समझ रहे हो आपके कस्टमर तक आपको पहुँचने के लिए अगर इतनी दूरी है आपके और आपके कस्टमर में तो फिर वो बिज़नेस एग्जिस्ट करना भी चाहिए कि नहीं करना चाहिए राइट right? दूसरा देखिए ये बहुत अच्छा लगता है हेडलाइंस के लिए कि मैं ग्लोबल कंपनी बनाऊंगा सो अगेन जो बहुत पैसे रेज करते हैं दे डू इट बिकॉज इस हाँ मैं अमेरिका में बिक बट भैया वो अमेरिकन मार्केट आपके लिए थोड़ी बैठा हुआ है राइट mm. right? और आपको उसका कुछ पता ही नहीं कि कितने पैसे लगेंगे तो आपने तो रेज कर लिया कि भैया मेरे को अमेरिका जाना है बट आपको पता ही नहीं है राइट तो अगेन ना आपने पैसे रेज कर लिए और आप खर्चोगे कहाँ पे फिर फिर आप उल्टी सीधी चीज़ें भी करने लग जाओगे बिकॉज आपको जस्टिफाई करना है कि मैंने तो इतने पैसे रेज करे तो पैसा ऐसी आप, आप उल्टी सीधी चीज़ें करने लगोगे क्योंकि आपको प्रॉफिट्स कमाना है आप ऐसे कह रहे हो नहीं इट्स बिकॉज आपका अगला राउंड कैसे होगा ना अच्छा मतलब अगले राउंड में इन्वेस्टर्स को ये दिखाना कि ये देखो रेवेन्यू ऐसे होगा हाँ कि मैंने ये ठीक से डिप्लॉय करा पैसा सो so दैट मेरा बिजनेस आगे बढ़ा फिर आप अगला राउंड इसलिए फिर रेस कर पाओगे ना दोस्तों ऐसे ही बहुत सारे क्लिप्स अपलोड किए हैं इस चैनल पर चैनल को एक्सप्लोर करो देखते जाओ और सीखते जाओ